अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हम इस्लामाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरह से पास्ट पेपर में पूछा गया, पास्ट पेपर में या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप हाईलाइट करें वो स्टेप्स, हाईलाइट द स्टेप्स टेकन फॉर इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, या फिर राइट अ नोट ऑन स्टेप्स टेकन बाय जियाउल हक फॉर इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बेसिकली इस्लामाइजेशन का। लेकिन क्वेश्चन आपसे जैसे भी पूछा जाए, आउटलाइन जिस तरह मैंने बनाई हुई है, आपने इसी के मुताबिक चलते हुए अपना क्वेश्चन पूरा करना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन 10 to 20 मार्क्स इतने का होता है एक क्वेश्चन, वो आपको हर लिहाज से पूरा करना होता है। 9 to 10 पेजेस लिखने होते हैं, 6 7 पेजेस जितने भी आप लिखते हो। तो आपको ये जो आउटलाइन है इसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। अब जिस तरह क्वेश्चन आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जिस तरह आपने करना है, आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी है। नीचे आपके ये प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इन डिटेल, ठीक है। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी कि इस आउटलाइन के अंदर क्या है, बाद में आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक जो है वो मैं पासवर्ड बता दूंगी, वो लगाएंगे आप इस समय पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएगा। लेकिन एक और बात कि आपने जल्दी से जाके वीडियो को देखे बगैर अगर आपने नोट्स डाउनलोड करके रख ली है ना, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप दुकान पर जाके पैसे दे के नोट्स खरीदते हो तो उसको रट्टा लगाते हो तो बाज़ औक़ात आपको उसका फ़ायदा नहीं होता, सेम ऐसे ही इन नोट्स का। क्योंकि चीज़ें आप समझोगे तो ही आपको समझ आनी है। नोट्स से इस तरह आप जाके डाउनलोड करके अपने पास रखते हो उसका कोई फायदा नहीं है। आउटलाइन मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको जरा गौर से समझ लें। आउटलाइन की दफा आप अपने कान खुले रखा करें कि आपको याद रहे कि आपने कौन कौन सी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। फिर ना आपको बड़ी अच्छे से क्लियर एक इमेज बन जाएगा क्वेश्चन का और याद रखने में आसानी रहेगी, बेशक आप पेपर से एक दिन के पहले ही क्यों ना इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आउटलाइन हमारी इंट्रोडक्शन होगी, जिसके अंदर हम इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लेंगे और उसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे कि किस तरह फिर हमारा पाकिस्तान का सोशल और जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो चेंज हुआ या उसको शेप में लाया गया, तो उसमें इस्लामाइजेशन का क्या रोल था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आपने ज़रूर लिखना है इसके अंदर, मस्ट आप इसको लिखेंगे ये हेडिंग देंगे। और उसके अंदर हम क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये सारी रोल ऑफ रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल फिगर्स, उनका जो है वो रोल देखेंगे। अब थर्ड आउटलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हमारी है कि स्टेप्स, मेजर स्टेप्स। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो आप स्टेप्स लिखें फॉर इस्लामाइजेशन, या फिर पूछा जाता है कि जियाउल हक साहब ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे, आप वो लिखें। आपसे क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी पूछा जाए, आपको क्वेश्चन को शेप देना आना चाहिए। अगर आप एक अच्छी शेप दे के लिख सकते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जैसे हम मेजर स्टेप्स के अंदर सबसे पहले 1956 से 1971 का पीरियड देखेंगे, जो कि इनिशियल इस्लामाइजेशन एफर्ट्स जिसमें हुई। फिर हम 1977 से 1988 तक जियाउल हक साहब ने इस्लामाइजेशन में जो जो पॉलिसीज, जो जो इन्फोर्समेंट्स कराए थे ला, उन सबको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपका पोस्ट 1988 पीरियड आ जाता है। उसके बाद आप, अब इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, अब उसको फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए किस तरह से रखा गया कंटिन्यू। फिर उसकी फर्दर डेवलपमेंट के ऊपर जो डिबेट्स हुई उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखें, अब आपके ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, बेशक ये बुक में दी हैं नहीं दी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना बनती हैं ना आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन के लिए, तो इसीलिए आउटलाइन को समझा करें। फिर उसके बाद आपके पास इम्प्लीकेशंस, यानी जो इफेक्ट्स इस्लामाइजेशन के आए थे, आपके सोशल और कल्चर इम्पैक्ट कौन से आए थे ये हम देखेंगे। पॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी पॉलिटिकल वे में आप किस तरह से पॉलिटिक्स, सियासत के अंदर चेंजिंग्स आई, सियासत को शेप दिया गया। इंटरनेशनली आपकी इमेज किस तरह की हुई इस्लामाइजेशन के स्टेप्स लेने के बाद। अब जो चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज इस्लामाइजेशन को फेस करना पड़ रही हैं, उसकी कौन कौन से उसके ऊपर डिबेट्स हैं, या फिर अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है इसके ऊपर तो उसकी कौन कौन सी रीज़न है, उसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड देन एट द लास्ट हम कंक्लूजन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आपके सामने एक इमेज आ गया है कि आपने क्या क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर पढ़नी है। अगर तो आपको अब सेटिस्फेक्शन हो रही है कि हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो आपसे रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखें और एंड तक ही देखें, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से।
ठीक है, इस्लामाइजेशन क्या है कि आपकी कंट्री है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो कंट्री है इसके जितने भी लॉज हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट रूल्स लिखे गए हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, और उनके मुताबिक एक कंट्री को ज़ाहिर है गवर्न किया जाता है। तो इस्लामाइजेशन का मतलब ये है कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने रूल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर एक मुल्क चल रहा है, उनको इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाया जाए, सारे रूल्स इस्लाम की रोशनी के अंदर जो है, इस्लाम की रोशनी में तैयार किए जाएं और फिर उनके ऊपर अमल कराया जाए। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के अंदर इस्लाम को इनकॉर्पोरेट किया गया, जैसे आपके लॉज हैं, आपकी एजुकेशन के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर इस्लाम के बारे में पढ़ना जो है वो कंपलसरी कर दिया गया, आपके कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ था 1947 के अंदर, तो तब भी ये एक विजन था कि एक ऐसा कंट्री बनेगा जिसके अंदर इस्लाम होगा, इस्लाम के असूलों के मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और उनके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा, उनका कल्चर एबोर्ट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इस्लामाइजेशन। देखो, इस्लामाइजेशन ने देखा कि आपका कंट्री चलेगा कैसे, और इस्लामाइजेशन यही है ना कि सेट ऑफ रूल्स, तो रूल्स डिसाइड करते हैं एक कंट्री को किस तरह, एक कंट्री किस तरह से चलेगी। तो फिर इस्लामाइजेशन ने बेसिकली इस चीज़ को इम्पैक्ट किया कि आपकी कंट्री किस तरह से चलेगी और लोग अब उस कंट्री के अंदर किस तरह से रहेंगे। नए रूल्स और नए लॉज को बनाया गया जो इस्लामिक असूलों के मुताबिक थे, इस्लामिक कल्चर को, सोसाइटी को शेप में लाया गया। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर आपने इस्लामाइजेशन का इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन को कवर किया। आपने थोड़ा सा देखा कि 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना, तो तब इस विजन को रखा गया था कि पाकिस्तान को इस्लामी असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। उसके बाद अगली बात आ रही है आपके पास, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामाइजेशन। सबसे पहले मेन चीज़ इसकी है कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। देखो, अगर जब पाकिस्तान बना था 1947 के अंदर, तो पाकिस्तान को एक विजन के साथ क्रिएट किया गया था, जैसे पहले साउथ एशिया के अंदर, बरसगीर के अंदर, जब पाकिस्तान बरसगीर के अंदर मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे, और फिर बरसगीर को एक दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया, एक था आपके पास पाकिस्तान और दूसरा था इंडिया। पाकिस्तान बनाने का जब मकसद जो क्या शो किया गया था कि एक ऐसा कंट्री बनाया जाए जहाँ पे मुसलमान अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें, जहाँ पे मुसलमान अपने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और उनका कल्चर जो है वो इस्लाम के मुताबिक चले। ठीक है, तो फिर यहाँ से ही पाकिस्तान की एक विजन क्रिएट थी, तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी ही एक इस्लामिक आइडेंटिटी थी। फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया है, तो फिर रिलीजियस लीडर्स जो आपके स्कॉलर्स थे, रिलीजियस स्कॉलर्स, उन्होंने इस्लाम के बारे में, इस्लाम के खिदमत में बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए के बहुत सारी, उन्होंने लोगों को, स्कॉलर्स को जो है उतनी हेल्प की उनकी कि वो इस्लाम के मुताबिक किस तरह से चल सकते हैं, इस्लामिक वैल्यूज को जितना हो सके प्रीच किया गया, हर किसी को इनकरेज किया गया कि वो इस्लाम को फॉलो करे। ठीक है, ये आप डिटेल के अंदर इसके अंदर पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें हैं आपके पास और आपने इनको डिटेल, बिल्कुल इजी वर्डिंग में है। ठीक है, आप इसको डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आ रहा है जिसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल्दो आपने वो ऊपर वाली चीज़ें भी लिखनी है, लेकिन ये अब आपने गौर से पढ़ना है। 1956 से 1977 में इस्लामाइजेशन का इनिशियल पीरियड स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का था उसके अंदर इस्लामिक रूल्स को डाला गया, यानी जितने रूल्स बनाए गए उन सबको इस्लाम के मुताबिक रखा गया। कोई जुर्म कर रहा है तो इस्लाम के मुताबिक उसके अंदर सजाएं रखी गई, किस तरह से लोगों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है, ये सब चीज़ें इस्लाम की रोशनी के अंदर डिसाइड की गई, इस्लाम के मुताबिक डिसाइड की। एक लीडर है वो कंट्री को गवर्न किस तरह से करेगा, वो भी इस्लाम के मुताबिक रखा गया। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लामिक प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया। फिर एडवाइजरी बॉडी, यानी कुछ ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स जिनके पास इस्लाम का बहुत ज़्यादा नॉलेज था, उन्होंने उसके ऊपर अच्छी रिसर्च की भी थी, उनके पास अच्छा नॉलेज था, वो लोगों को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, उनके ग्रुप्स बनाए गए। तो फिर वो लोगों को जो है वो लोगों को भी गाइड करते थे, और जो गवर्नमेंट की पोजिशंस पर जितने लोग बैठे थे, फॉर एग्जाम्पल आपके लीडर्स हैं, तो उनको अगर किसी चीज़ में
मुल्क को चला रहे हैं और उसमें उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, किसी कोई डिसीजन करना है, तो वो रिलीजियस स्कॉलर से मशवरा लेते थे। ठीक है, ये आपका इनिशियल पीरियड था। फिर उसके बाद 1977 से 1988 का पीरियड आता है जो कि जियाउल हक साहिब का था। उन्होंने इस्लामाइजेशन, इनका इराक को इस्लामाइजेशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत इस्लाम से रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो है वो उनको अप्लाई किया था। उनको क्रिएट करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्टली अमल भी करवाया सब लोगों से, गवर्नमेंट से भी और अवाम से भी। जैसे उन्होंने इस्लामिक लॉज जो है वो इनकी इन्फोर्समेंट कराई, जैसे आपके पास हदूद ऑर्डिनेंस है। हदूद ऑर्डिनेंस ये था कि जितने आपके फॉर एग्जांपल इलीगल एक्टिविटीज है, इलीगल फॉर एग्जांपल हराम काम, अगर आप किसी को चोरी करते हो या फिर जिना करते हो, तो उसका उससे रिलेटेड उन्होंने एक सख्त सजाएं सुनाई गई और वो सब इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंगली थी। फिर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जक़ात और उशर का। जक़ात का क्या है कि जक़ात बेसिकली कि आपकी फॉर एग्जाम्पल पैसे हैं, उसमें से आप कुछ हिस्सा उन उन लोगों के लिए निकालते हो जो कि उसके काबिल होते हैं, जो कि जिनकी माली हालत खराब है, आप उनका अल्लाह की राह में पैसे देते हो, ठीक है, और उनकी मदद करते हो। उशर बेसिकली रिलेटेड होता है आपकी एग्रीकल्चर से कि जितनी हो सके गुर्बत को कम किया जा सके और सोशल वेलफेयर के लिए काम किए जा सके। फिर उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी की कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इस्लाम को ऐड किया गया, इस्लाम पढ़ेंगे, इस्लाम की बेसिक एजुकेशन, ताकि जो नौजवान हैं वो अपने रिलीजन को अच्छे तरीके से समझ सकें। क्योंकि अभी भी आप देखो तो हमारी यूथ को इस्लाम का पता ही नहीं है, रिलीजन से दूर है, उन्हें उनकी टीचिंग्स का ही नहीं पता। तो इसलिए ज़िया साहब ने इस जितने जो एजुकेशन थे आपके स्कूल्स थे उनके अंदर रिलीजन से रिलेटेड बहुत सारी जो है वो आप लेसन्स डाले, आपके नसाब थे पूरे पूरे, ताकि नौजवान को अपने दीन के बारे में पता हो और वो अपनी जिंदगी उन ही दीनी असूलों की रोशनी के अंदर गुजारे। फिर जो अल्कोहल थी उसके ऊपर बैन लगाया गया, कोई जो है वो अगर पीता है तो उसके खिलाफ सख्त सजाएं रखी गई। इस तरह से ये ज़िया साहिब की कुछ जो है वो प्रोविजंस थे, इस्लामिक प्रोविजंस थे। फिर उसके बाद अब इस्लामाइजेशन आ गया है। इस्लामाइजेशन को कंटिन्यू रखने के लिए एक और पीरियड आता है जो कि पोस्ट 1988 पीरियड है, 1988 के बाद वाला टाइम। उसके अंदर आपके जितने बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम थे ना, उनके ऊपर भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स को लिखा गया, ताकि जो भी लोग अपने पास पैसे सेव कर रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं, कहीं मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक थी। और ये जो सारा कॉन्सेप्ट था, जैसे सूद का कॉन्सेप्ट प्लेस किया गया कि आप कोई प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स उसकी जगह पे कर लें, तो इस तरह से आपके बैंकिंग और फाइनेंसी सिस्टम के अंदर शरीयत को ऐड किया गया। आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिस तरह जियाउल हक साहब ने, उसी तरह आप कुछ आपके प्रॉपर कोर्स ऐड किए गए ताकि लोग अपने दीन के बारे में सीख सके, उनका ईमान पुख्ता हो और फिर उनकी जो जिंदगी है, जो डेली लाइफ है, वो अपने दीन के मुताबिक जो है वो चलाए। फिर ड्रेस कोड, इस्लामिक ड्रेस कोड, हिजाब को प्रमोट किया गया औरतों के, बेसिकली ये औरतों के लिए था कि औरतें डिसेंट ड्रेसिंग करें, कोई वल्गर ड्रेसिंग ना हो, डिसेंट ड्रेसिंग हो, इस्लामी असूलों के मुताबिक हो, कोई ऐसी ड्रेसिंग ना हो जिससे फहाशी फैले, जिससे बेहयाई फैले। तो हिजाब और रिपोर्टेस्ट ड्रेसिंग को प्रमोट किया गया, प्रमोट, इस तरह से इस्लामाइजेशन कंटिन्यू होती रही। अब हम देखेंगे इसी आउटलाइन के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट एंड डिबेट्स। देखो पहले अब इससे रिलेटेड ना डिबेट्स, मतलब जो भी आप कोई भी कहीं करते हो ना, तो आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर अराइज होते हैं। कोई भी आप स्टेप लेते हो एक मुल्क के अंदर, तो वहां पर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। अब आपने वहां पे ये था कि देखो डिफरेंट तरह के लोग वहां पे रह रहे हैं, पाकिस्तान है, तो आप हर ला इस्लाम के मुताबिक करते हो, तो आप ये भी तो जहन में रखो कि पाकिस्तान के अंदर ही कुछ माइनॉरिटीज हैं, उनके अपने रिलीजन हैं। आलो इस्लाम में उनके अपने रिलीजन को रखा गया, लेकिन कुछ लोगों को इस बात पर डिबेटिंग शुरू हो गई कि ये कहीं ना कहीं इंसान से उसके इंडिविजुअल राइट्स ले रहा है। तो फिर ये एक डिबेट्स हैं जो अभी भी चल रही हैं। फिर कुछ ग्रुप्स और ऐड हुए, वो अपने नए आइडियाज लेके आए कि आपको किस तरह से आप एक इंडिविजुअल जो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है और एक इंडिविजुअल जो रिलीजन इस्लाम से बिलोंग करता है, इन दोनों के दरमियान आपने किस तरह से बैलेंस लेके आना है। तो उन्होंने इससे रिलेटेड नए नए आइडियाज दिए।
ये डिबेट्स के अंदर आप ये लिख सकते हैं। अब इम्प्लीकेशन ऑफ इस्लामाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाए ना पूछा जाए आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ये जरूर लिखना है, आपके क्वेश्चन को ब्यूटीफाई करेगा। इस्लामाइजेशन की इम्प्लीकेशन इस तरह से है कि सोशली अगर हम देखें तो आपके रूल्स जब इस्लाम के मुताबिक होंगे ना, तो आप जिस तरह से लोगों से बिहेव करते हैं, सोसाइटी के अंदर आप जिस तरह से रहते हैं, यू विल सी योर अ ह्यूज चेंज इन योर सेल्फ। अगर इस्लाम के बारे में पढ़ने के बाद आप देखोगे तो आप सोसाइटी में बिहेव भी डिफरेंट तरीके से करोगे। इसी तरह इस्लामाइजेशन ने सोशली लोगों को इम्पैक्ट किया। अब किस तरह से मर्द और औरत एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस्लाम में इससे रिलेटेड सख्त असूल है। ऑल्दो लिबरल्स का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसी के ऊपर, जाहिर है फिर हम डिबेट्स के ऊपर जब इस्लामाइजेशन के ऊपर बात करते हैं तो इसी पॉइंट के ऊपर डिबेट भी होती है, लेकिन मर्द और औरत की इंटरेक्शन से रिलेटेड अगर हम कुरान में भी देखें और इसके सख्त असूल हैं और वो हमें फॉलो करना पड़ते हैं, तो ठीक है फिर जब इस्लामाइजेशन आई तो फिर इस इंटरेक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ा। पॉलिटिकली किस तरह से लीडर्स ने आपको कंट्री को चलाना है, किस तरह से लॉ बने जाएंगे, किस तरह से लोगों के साथ आवाम के साथ रियाया के साथ ट्रीट किया जाए, इस्लामाइजेशन ने इस चीज़ को भी जो है वो इम्पैक्ट किया। अब ये डिबेट्स चल रही हैं, डिस्कशंस अभी भी हैं कि किस तरह से रिलीजियस लीडर्स और सिविल लीडर्स के दरमियान ऐसे कौन सा एक बीच का रास्ता होता है ना कि बैलेंस क्रिएट किया जाए, मुल्क के अंदर अफरा तफरी ना क्रिएट हो, कोई ऐसा माहौल ना क्रिएट हो जाए जिससे मुल्क का पीस खराब हो। तो इसका यही होता है कि एक बैलेंस क्रिएट कर लिया जाए, रिलीजियस लीडर्स और सिविल लीडर्स दोनों को उनके राइट्स दिए जाएं, तो फिर जो है वो मुल्क को वर्स सिचुएशन से बचाया जा सकता है। इंटरनेशनल इमेज किस तरह से, दुनिया हमें किस तरह से देखती है, इस्लामाइजेशन हैज मेड आर कंट्रीज थिंक डिफरेंटली अबाउट पाकिस्तान। जाहिर है डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंटली पाकिस्तान को देखेंगी, पाकिस्तान की इमेज एक और तरह से हो जाएगी, किस तरह से पाकिस्तान ने इंटरेक्ट करना है। अगर आप दीनी लिहाज से अपने असूलों पर खड़े हो, एक बंदा है वो अच्छा खासा दीन के असूलों पर चल रहा है, तो आप देखोगे उसके ऊपर यकीन करना ऑटोमेटिकली आसान होगा कि आप कहोगे नहीं यार ये धोखे की सजा जानता है, ये अल्लाह से डरता है, ये हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। तो ये एक इमेज बन जाती है ना। तो इसी तरह से अगर हम एक जिस तरह हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, उसी तरह हम एक पूरे कंट्री की भी बात कर सकते हैं कि कंट्री को दूसरी कंट्री किस तरह से देखती है। इसी तरह इस्लामाइजेशन ने पाकिस्तान का इमेज चेंज किया दूसरे पूरे वर्ल्ड के अंदर। चैलेंज एंड कंट्रोवर्सीज, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लोग डिफरेंट तरीके से डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो उससे रिलेटेड डिबेट्स चल रही हैं कि डिबेट्स क्या हैं, कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कंसर्न चल रहे हैं, कि इंडिविजुअल फ्रीडम कहीं ना कहीं जो है वो इसके अंदर एबॉर्ट हो रही है। जो डिबेटर्स हैं जो इसके ऊपर डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस देते हैं, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो ये आपने रीड आउट कर लेना है, ये आपके पास सारी मैंने डिटेल के अंदर लिख ली हुई है, ठीक है, बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जोर नहीं दे रही हूँ। आप जब नोट्स डाउनलोड करेंगे ना तो ये आपके सामने खुल के आ जाएगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर कोई चीज़ को समझ आए फिर आप पूछ सकते हैं। आई होप सो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं और लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, हर चीज़ मैंने कवर कर दी है। अब एक चीज़ रह गई है, आपके लिंक का पासवर्ड जो नोट्स मैंने शेयर किए हुए वो है आपके पास 1, 3 और 5, ये आप लगाएंगे तो PDF फॉर्म में खुल के आपके पास आ जाएगा। हर चीज़ को देखो, अब आपने इस क्वेश्चन को बेसिकली अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको लंबा करें, तो ज़ियाउल हक साहब के स्टेप्स के बारे में बात है, तो आप ये इस्लामिक प्रोविजंस, ये देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा था सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इसके अंदर आप ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आप जितना चाहे क्वेश्चन को लेंथी कर सकते हो। मेन चीज़ क्या होती है, आपका अपना कॉन्सेप्ट, अगर आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करके अपना मटेरियल ज़्यादा बढ़ा सकते हो और पेपर में जितना चाहो लिख सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। आपने नोट्स आपके पास आ गए हैं, अब आप डाउनलोड करके इसको डिटेल के अंदर पढ़ लें आपके पास, और फिर हेडिंग्स भी याद कर लें, बाकी आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना है, वरना अगर रट्टा लगाने बैठोगे तो आपके लिए मुश्किल होगी इस चीज़ को फिर समझना, ठीक है। अभी आपने मेरी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करके जाना है वीडियो को, और चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और एज अ रिवॉर्ड मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।